बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 80। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 80 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 इससे रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम्स हैं, तो चले आते हैं वर्क प्रॉब्लम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 16.5 किलोग्राम ऑफ शुगर इज़ टू बी पैक्ड इनटू अ पैकेट ऑफ 0.5 केजी शुगर ईच। हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड टू पुट ऑल शुगर इन बैग्स। के टोटल शुगर हमारे पास है, टोटल शुगर है 16.5 केजी। अब इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना रहे हैं और हर एक पैकेट में 0.5 केजी शुगर डाली जाएगी। तो 16.5 केजी टोटल शुगर है हर एक पैकेट में जो है वो 0.5 केजी शुगर होगा। तो हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड टू पुट ऑल द शुगर इन बैग्स, कि कितने बैग्स रिक्वायर्ड होंगे कि हम हर एक बैग में 0.5 केजी शुगर डाल सकें, और टोटल शुगर कितना है 16.5 केजी। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 80। एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 4 इज 16.5 केजी ऑफ शुगर इज टू बी पैक्ड इनटू अ पैकेट ऑफ 0.5 केजी शुगर ईच। के टोटल शुगर 16.5 केजी है, हर एक पैकेट में 0.5 केजी शुगर डाला जाएगा। तो कितने पैकेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे या कितने बैग्स रिक्वायर्ड होंगे कि हम हर एक बैग में 0.5 केजी शुगर डाल सके और 16.5 केजी किलोग्राम टोटल शुगर है। हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड टू पुट ऑल द शुगर इन बैग्स, के तमाम शुगर जो है हम बैग्स में डाल सके तो कितने बैग्स रिक्वायर्ड होंगे। सोल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर, टोटल शुगर 16.5 केजी है, किलोग्राम है। एक पैकेट में कितना शुगर डाला जाएगा, ईच पैकेट ऑफ शुगर 0.5 केजी, ईच पैकेट में 0.5 केजी शुगर डाला जाएगा। अब रिक्वायर्ड, ये तो हमें गिवन है, रिक्वायर्ड क्या है कि हर एक बैग में 0.5 केजी शुगर डाला जाएगा। तो कितने बैग्स रिक्वायर्ड होंगे, टोटल बैग्स आर रिक्वायर्ड। तो 16.5 को 0.5 पर डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि टोटल शुगर को हम 0.5 केजी में तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करें, तो किसी भी दो डेसिमल को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। 5 के लिए 0, पॉइंट के लिए 1, तो यहाँ पर हम 1 नहीं लगाते, डिवीजन का साइन एज इट इज़ 0.5, 5 के लिए 0, पॉइंट के लिए 1। 165/10 डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया 5/10, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 10/5। तो 165 फाइव पर डिविजिबल है, 5 भी, 5 ones are 5, 5 33s are 165, 10 ones are 10, 10 ones are 10, क्रॉस में कटिंग हो गई। तो जो सर्कल किया है वो आप लिख लें, 33/1 मल्टीप्लाई 1/1, मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, 33 ones are 33, 1 ones are 1। चूँकि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, सो 33 बैग्स
हमारे पास आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम 5 में क्या कह रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम 5 में है कि द प्राइस ऑफ 1 dozen ऑफ एग्स इज़ ₹36.25, के एक दर्जन अंडों की कीमत जो है 36.25 है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6.5 dozen ऑफ एग्स? 6.5 दर्जन एग्स की प्राइस, उसकी कीमत क्या होगी कि एक दर्जन अंडों की कीमत ₹36.25 है, तो 6.5 dozen एग्स की कीमत क्या होगी? द प्राइस, क्वेश्चन नंबर 5 और प्रॉब्लम है कि द प्राइस ऑफ 1 dozen ऑफ एग्स इज 36.25। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6.5 dozen ऑफ एग्स? सिंपली के एक दर्जन अंडों की कीमत ₹36.25 है, तो 6.5, उससे ज़्यादा अंडों की, उससे ज़्यादा दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी? सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो द प्राइस ऑफ वन, सॉल्यूशन फर्स्ट सेंटेंस होगा द प्राइस ऑफ 1 dozen ऑफ एग्स क्या है? ₹36.25। रिक्वायर्ड हमें है द प्राइस ऑफ 6.5 dozen ऑफ एग्स, तो ₹36.25 को 6.5 dozen के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कर लें। पहले आप इसको कॉमन फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं कि 2 decimal places पर पॉइंट है तो सामने 2 dp लिखें, 1 decimal place पर पॉइंट है तो सामने 1 dp लिखें, 1 decimal point। 5 5s are 25, 5 लिख लिया 2 carry, 5 2s are 10, 10 plus 2 12, 2 लिख लिया, 1 next number पर कैरी करें। 5 6s are 30, 30 plus 1 31, 1 लिख लिया, नेक्स्ट नंबर पर 3 कैरी करें। 5 3s are 15, 15 plus 3 18, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई का साइन इंक्रीज हो गया। 6 5s are 30, 0 लिख लिया, 3 कैरी हो गया। 6 2s are 12, 12 plus 3 15, 5 लिख लिया, 1 next number पर कैरी। 6 6s are 36, और इसको आप काट लें क्योंकि ये जो है फर्स्ट स्टेप के साथ बस ख़त्म हो गया। 6 6s are 36, 36 plus 1, ये वाला 1 उसके साथ प्लस करें। 37 7 लिख लिया, नेक्स्ट नंबर पर 3 कैरी करें। 6 3s are 18, 18 plus 3 19, 20, 21, 21 as it is लिख लें क्योंकि कोई दूसरा नंबर नहीं है कि उस पर आप 2 कैरी कर सकें। अब सिंपली इसको वर्टिकली ऐड करें। 5 plus 0 equals to 5, 2 plus 0 equals to 2, 1 plus 5 equals to 6, 8 plus 7, 8 plus 7 equals to 15, 5 लिख लिया, 1 next number पर कैरी हो गया। रफ़ वर्क आपने हमेशा पेंसिल से करना है। 1 plus 1 equals to 2, 2 plus 1 equals to 3, 2 as it is। अब ये डेसिमल पॉइंट कहाँ से आ गया कि 2 decimal place and 1 decimal place, 2 plus 1, 3, तो 3 decimal places पर डेसिमल पॉइंट लगेगा, 1, 2, 3। राइट साइड से डिजिट्स काउंट करें, 1, 2, 3, 3 decimal places पर पॉइंट आ गया। सो द आंसर इज 235.625 में 6.5 dozen ऑफ एग्स जो है वो आते हैं कि 1 dozen जो है उसकी कीमत ₹36.25 है, तो 6.5 dozen, 6 dozen और एंड हाफ की कीमत, 6.5 dozen की कीमत क्या होगी? 235.625। अब एक्सरसाइज 4.3 फिनिश हो गया। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। डू प्रैक्टिस ऑफ फुल एक्सरसाइज 4.3।
क्वेश्चन नंबर वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन. क्वेश्चन टू, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल में कन्वर्ट करना है. देन क्वेश्चन थ्री, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है. देन क्वेश्चन फोर और फाइव जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन तमाम की प्रैक्टिस आपने रफ नोटबुक्स में करनी है. मैथ्स रजिस्टर में फुल एक्सरसाइज डू प्रैक्टिस ऑफ फुल एक्सरसाइज 4.3 1 by 1 क्वेश्चन. थैंक यू.